हम हेयर लॉस के लिए क्या होम रेमेडी अप्लाई करें, बट उससे पहले आप लोगों को जानना चाहिए कि नॉर्मल हेयर लॉस और एबनॉर्मल हेयर लॉस में क्या फ़र्क होता है, किसमें हमें एक बेटर ट्रीटमेंट लेना चाहिए और किसमें हम होम रेमेडीज के जरिए अपने हेयर लॉस को रोक सकते हैं। हाय, डॉक्टर दीपक कुमार, MD आयुर्वेदा, रिसेंटली वर्किंग इन पतंजलि आयुर्वेदा हॉस्पिटल। तो टुडेज टॉपिक की 5 सिंपल टिप्स अबाउट योर हेयर लॉस। काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये समस्या रहती है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों की शिकायतें हैं कि आपके हेयर लॉस होते हैं, बट कितने होते हैं, 50 to 100 हेयर लॉस, ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है, सभी को होता है। बट अगर उसके साथ में आपकी स्कैल्प थिनिंग हो चुकी है, आपको पैचेस बनने शुरू हो गए हैं, तो ये 50 to 100 जो हेयर लॉस है वो नॉर्मल नहीं है। दैट इज़ अ साइन ऑफ एबनॉर्मल हेयर लॉस। आपको ट्रीटमेंट की ओर जाना चाहिए, आपको कोई भी होम रेमेडीज अप्लाई नहीं करनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके हेयर लॉस के टाइप्स क्या हो सकते हैं, एक्यूट हेयर लॉस और क्रॉनिक हेयर लॉस। एक्यूट हेयर लॉस बेसिकली आपकी कोई भी सीजनल चेंजेस में हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको फीवर आया है, या फिर पोस्ट कोविड के बाद जो हमने ऐसे ज़्यादातर लोगों को देखा कि उनके हेयर लॉस होने की शिकायतें ज़्यादा बढ़ गई है। आफ्टर डिलीवरी जो हेयर लॉस होता है वो आपका एक्यूट होता है। पोस्ट सर्जरी, जब आप किसी तरह की सर्जरी में जाते हैं, आपको कोई ऑपरेशन होता है, तब आपको हेयर लॉस होता है। आपको कोई बीमारी अचानक से लग जाती है, तब आपको हेयर लॉस होता है। तो ये कंडीशन होती है एक्यूट हेयर लॉस की। तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। आप कोई होम रेमेडीज अप्लाई करते हैं तो भी इसमें आपका बचाव किया जा सकता है। बट सेकेंड कंडीशन जो कि हमारी क्रॉनिक हेयर लॉस की बनती है, वो होता है कि जब आपको कोई ऐसी बीमारी लगती है, मान लीजिए आपको थायराइडिज्म है, आपको डायबिटिक की शिकायत है, आपको PCOD की शिकायतें हैं, तो ये वो कंडीशन है। या फिर आप अगर किसी तरह की बीमारी के लिए दवाई खाते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी कोई BP की दवाई चलती है, तो इन कंडीशन में आपका जो हेयर लॉस होगा वो होता है क्रॉनिक हेयर लॉस। तो सबसे पहले आपको इन सब डिजीज के ऊपर काम करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ अ रूट कॉज ऑफ दैट हेयर लॉस। आपको इनको पहले ठीक कर लेंगे तो आपके जो हेयर लॉस की शिकायतें हैं काफ़ी हद तक अपने आप मैनेज होना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं 5 सिंपल टिप्स से क्या है। सबसे पहले आप अपने आप को देखिए कि आपका जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा है, आपकी डाइट कैसी है, आपकी हैबिट्स कैसी हैं। तो डाइट्स में मेनली मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ कि आपको प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे बालों के अंदर केराटिन जो होता है वो एक तरह का प्रोटीन है। तो अगर आप प्रोटीन की डाइट पर जाते हैं, आप जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो ज़्यादा लेते हैं, आप दूध ज़्यादा लेते हैं, मट्ठा ज़्यादा लेते हैं, कर्ड ज़्यादा लेते हैं, पनीर आप खाते हैं, डेट्स आप खाते हैं, क्योंकि दैट इज़ कि वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को काफ़ी ज़्यादा हाई कर देती है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आप जा सकते हैं। दालों में आप राजमा, छोले, ये सब ले सकते हैं। और सेकंड वन अगर हम बात करते हैं तो वो होता है कि आप ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स का यूज़ ज़्यादा करें, क्योंकि आयरन रिच फूड जितने भी होंगे वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करेंगे। थर्ड वन, अगर आपकी आदत है ऑयलिंग करने की तो दैट इज़ वेरी गुड, बट आप कोशिश ये करें कि जब आप मसाज करते हैं, मसाज आपको रात में करनी होती है, तो ज़्यादा फोर्सफुली आपको मसाज नहीं करना है। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि मसाज आफ्टर ऑयलिंग आप सुबह के टाइम उसको वॉश आउट ज़रूर कर दें, बिकॉज अगर आप उसको रखते हैं तो ऑयल ज़्यादा लगा रहने की वजह से काफ़ी लंबे टाइम के बाद आपको क्या होगा, वहाँ पर डेंड्रफ की जो शिकायतें हैं वो होनी शुरू हो जाएगी, तो आपका हेयर लॉस जो होगा वो ज़्यादा होने लगेगा। फोर्थ वन, अगर आपको आदत है कोई भी स्मोकिंग की या फिर आप ड्रिंकिंग करते हैं, अवॉइड इट, क्योंकि ये आपके ब्लड सर्कुलेशन जो आपकी वेंस है उनमें ब्लड का जो फ्लो है उनको रोकता है, तो उससे भी आपका हेयर लॉस होने की जो शिकायतें हैं वो होने लगती है। एंड फिफ्थ और लास्ट वन की डू रेगुलर एक्सरसाइजेस, बिकॉज रेगुलर एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि आपका जो भी हेयर लॉस है वो होता है, क्यों है, क्योंकि आपका ब्लड फ्लो अच्छे से आपके ब्रेन के अंदर या फिर आप मान लीजिए आपकी स्कैल्प के ऊपर नहीं आता है। तो अगर आप एक्सरसाइज करने की आदत डालते हैं तो आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है। ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से आपको आई थिंक कोई भी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है, अगर आपका ब्लड फ्लो काफ़ी अच्छे से काम करता है। सो दीज आर द 5 सिंपल टिप्स, बट अगर इनको भी करने के बाद में आपका हेयर लॉस होता ही है तो गो फॉर ए गुड फिजिशियन। आपको एक बेटर ट्रीटमेंट की ओर जाना चाहिए, ना कि कोई होम रेमेडीज अप्लाई करनी चाहिए। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे।